हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। टुडे इज द सिक्स्थ वीडियो ऑफ मॉड्यूल 2। तो क्या सच में वेदांता लिमिटेड एक स्टॉक फ्यूचर्स के लिए एक राइट चॉइस रहेगी फॉर द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स, एक 2 से 3 महीने के लिए क्या मोमेंटम रहेगा वेदांता लिमिटेड का? वीडियो के एंड तक जरूर रहना। सो उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले एक हम निफ्टी ऑटो के बारे में जान लेते हैं कि अगले 2 से 3 महीने के लिए निफ्टी मोमेंटम क्या एक बेयरिश मोमेंटम देगा या फिर एक बुलिश ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक निफ्टी ऑटो का इंडेक्स अभी 16,230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक रेड कैंडल स्टॉक ने दिखाई है एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग ट्रेंड के बाद, तो एक स्टॉक डेफिनेटली एक किसी फिर से इसी जोन के आसपास आने की कोशिश करेगा, एक 15,150 के आसपास एक फिर से एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा या फिर इट माइट टेक अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द रेंज ऑफ 15,150। ओके, तो इस डाउनवर्ड ट्रेंड का एक डिस्काउंट प्राइस किस स्टॉक में हमें मिल सकता है? तो डेफिनेटली हम बात करेंगे सोना BLW प्रेसिजन स्टॉक्स के बारे में। ओके, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 580 के आसपास, तो एज पर द इंडेक्स ऑफ निफ्टी ऑटो दिस स्टॉक इज इनटू निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में ये एक स्टॉक लिस्टेड है। ओके, सो स्टॉक की अगर आप एक करंट प्राइस देखेंगे कि स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 580 के आसपास, एक निफ्टी ऑटो का जो एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है डेफिनेटली इसमें ये स्टॉक एक 500 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक देने की कोशिश करेगा। स्टॉक में ट्रेड टू इट्स सपोर्ट जोन एट 500। डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे शुड वेट फॉर एन सपोर्ट जोन ऑफ 500, और एल्स एनी ऑफ द इन्वेस्टर्स हु आर होल्डिंग द स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली दे शुड वॉच फॉर द रेंज ऑफ 500 टू अगेन बाय द डिप्स फॉर द लॉन्ग ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ स्टॉक्स विच आर गोइंग टू गिव गुड मोमेंटम, द मोमेंटम माइट बी अ नेगेटिव पॉजिटिव। एक ओवरव्यू हमने देख लिया निफ्टी ऑटो और उसमें लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टॉक नंबर 5 विच इज अपोलो टायर्स लिमिटेड। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो अपोलो टायर्स का ग्राफ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि पिछले एक मोर देन नियर अबाउट 2 मंथ्स, एक फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट से ही स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया था, करीबन करीब आप कह सकते हो कि इन 7 वीक्स स्टॉक इज गिवन अ डाउनफॉल ऑफ 17%, एक 17% का एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है एक 7 वीक्स के ही ड्यूरेशन में, 7 वीक के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक 17% का डाउनफॉल दिया। एंड अगर आप करंटली देखोगे कि स्टॉक एक इसी सपोर्ट रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, कैंडल्स डेफिनेटली एक 6 to 7 कैंडल्स कंटिन्यूसली एक बियरिश फॉर्म स्टॉक ने दिए है, बट अगर एक पिछले 6 कैंडल्स आप देखेंगे, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ ऑगस्ट, एक मिड ऑफ द ऑगस्ट से लेके स्टॉक ने एक फॉल तो एक नेगेटिव क्लोजिंग तो जरूर दी है स्टॉक ने, बट एक मूवमेंट फॉर द होल वीक स्टॉक ने आप देख सकते हो कि एक 1 से 2% के आसपास ही स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग या फिर द मूवमेंट फॉर द स्टॉक इज नियर अबाउट 2% फॉर एवरी वीक। ओके, तो डेफिनेटली लुकिंग टू द रिसेंट कैंडल, अगर आप एक रिसेंट कैंडल स्टॉक की देखोगे तो एक हैमर कैंडल स्टॉक ने क्रिएट किया है, एंड लुकिंग टू दी सपोर्ट जोन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक उसी के सपोर्ट के आसपास, उसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक ने एक पास्ट में एक सपोर्ट लिया था, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दैट प्राइस ऑनवर्ड्स उसी सपोर्ट के ऊपर स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रैली दी, एक 2 से 3 महीने में, एक 3 महीने के करीबन करीब स्टॉक ने एक 21 to 22% का रिटर्न दिया। ओके, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सेम सपोर्ट जोन, सो डेफिनेटली एक अगले 2 से 3 महीने के लिए फॉर अपकमिंग 11 to 12 वीक्स स्टॉक फिर से उसी हाई प्राइस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। स्टॉक डेफिनेटली 440 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, सो इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द करंट प्राइस ऑफ 450, एक 440 के टारगेट के आसपास स्टॉक आते ही आपको 18 से 19% का रिटर्न मिल जाएगा। यू कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 18 to 19% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे कैन कंसिडर द स्टॉप लॉस ऑफ 350 से 360 के बीच आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर स्टॉक नंबर 5। लेट्स गो टू आर स्टॉक नंबर 4 विच इज अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड का, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक फ्रॉम द मंथ ऑफ मे 2022
ओके, एक पिछले साल से ही स्टॉक ने एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है। एंड इफ यू कैलकुलेट द रिसेंट हाई, मतलब एक जुलाई 2023 के वक्त जो एक स्टॉक ने हाई क्रिएट किया था, एक ट्रेंड जो अप ट्रेंड की हाईएस्ट वैल्यू तक स्टॉक गया था, एक 60% का आपको एक रिटर्न मिलता है स्टॉक में। ओके, करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक 12 से 13 महीने में, मोर देन 12 मंथ, स्टॉक ने एक 60% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक ये जो ट्रेंड रिसेंट स्टॉक ने बनाया था इन द मंथ ऑफ मे दिस ईयर्स में, तो स्टॉक ने उसी के एक 50% रिट्रेसमेंट को अभी एक टेस्ट करके एक 50% जो डाउनफॉल दिया और उसी को एक बाउंस बैक दे के स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 4,990 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे कि एक ट्रेंड जो स्टॉक ने बनाया है, दैट इज ऑलवेज इन टू एन पॉजिटिव ट्रेंड। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक अपर ट्रेंड में डेफिनेटली जाने की कोशिश करेगा। जो भी रिट्रेसमेंट या फिर जो भी सपोर्ट स्टॉक ने लिए है, वो डेफिनेटली एक हायर लेवल पे लो स्टॉक ने क्रिएट करके एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली द टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी 5,950, 5,950 के आसपास फिर से ये स्टॉक एक हायर लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा। ओके, एज वी कैन सी हियर की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 5,950 के आसपास ही है। सो डेफिनेटली स्टॉक एक उसी रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अगले 11 से 12 हफ्ते में ही स्टॉक फिर से 5,950 के आसपास ट्रेड करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न ऑफ 18-19%। 18 से 19% का रिटर्न आपको स्टॉक में भी मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 5,950। ओके, सो इन्वेस्टर्स, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स, इफ दे ट्राई टू ट्रेड इनटू द स्टॉक, इनटू दिस इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग, सो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 4,740। ओके, एक 4,740 का एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन आप कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स फॉर द टारगेट ऑफ 5,950। ओके, सो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक दे रहा है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम एक स्टॉक जरूर देने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 4। लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 3, विच इज ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। तो गाइज, ये रहा ग्राफ ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेंड भी दिया एंड अगेन इट गेव अ रिट्रेसमेंट ऑफ 60-70%। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक इन द मंथ ऑफ कोविड, मतलब एक कोविड के वक्त स्टॉक ने एक अप ट्रेंड जरूर दिया था, एक कंटिन्यूअस रैली स्टॉक ने दी थी एक 19-20%, मतलब एक करीबन करीब 5 से 6 महीने में, एक 4-5 महीने में ही स्टॉक ने एक 67-68% रिटर्न दिया। और उसके बाद स्टॉक ने एक जो डाउनफॉल दिया, द स्टॉक वेंट इन टू एन शार्प डाउनफॉल ऑफ 70% ऑफ इट्स अप ट्रेंड। एक उसी अप ट्रेंड का एक 60-70% एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया था। एंड करंटली यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न बनाने की कोशिश की है। ओके, द स्टॉक माइट हैव गिवन कैंडल इन द फॉर्म ऑफ डोजी, डोजी के फॉर्म में ही स्टॉक ने कैंडल दी थी। एंड डेफिनेटली एक बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक ने कंटिन्यूस रैली दी थी। एक पिछले 4 हफ्ते से ही स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में ही है। यानी फिर लुक इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, एक 4 हफ्ते में ही, मतलब करीब करीब 1 महीने में ही स्टॉक ने एक 14-15% का रिटर्न दिया है। ओके, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, ओके, यहाँ पे उसी का एक मोर देन 50% रिकवरी स्टॉक ने अभी दे दिया है। सो डेफिनेटली 11 से 12 हफ्ते के लिए, और यू कैन से लाइक अप टू 3 वीक्स, स्टॉक माइट ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट हाई, और यू कैन से द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 380, 380 के आसपास फिर से ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एट द करंट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 380, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ रिटर्न्स ऑफ 19-20%। 19 से 20% का आपको रिटर्न्स मिल सकता है इस स्टॉक में अगर आप 380 के टारगेट के लिए होल्ड करते हो। ओके, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं एट द करंट प्राइस ऑफ 336, सो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 305। ओके, एक 305 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके, आप या स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म स्टॉक फ्यूचर्स फॉर द टारगेट ऑफ 380। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 3। लेट्स गो टू अ स्टॉक नंबर 2, विच इज मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड।
सो गाइस ये रहा ग्राफ मन्नपुरम फाइनेंस का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया एंड स्टॉक इज मूविंग टू द कंसोलिडेशन। अगर आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन का ये हायर वैल्यू अभी रिसेंटली स्टॉक ने एक इसी साल के जुलाई हफ्ते से फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेक फ्रॉम इट्स लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन। स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में चला गया था फ्रॉम फेब्रुवरी 2022 एंड डेफिनेटली गिव अ एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी जोन को स्टॉक ने एक ब्रेक दे के स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट इट्स कंसोलिडेशन जोन। ओके तो अगर आप एक पिछले दो हफ्ते की कैंडल आप देखोगे इस स्टॉक में तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक लो क्रिएट करके स्टॉक वाज ट्राइंग टू गिव अ क्लोजिंग टू इट्स ओपनिंग प्राइस। एक ओपनिंग प्राइस के आसपास स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, एक क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था। सो डेफिनेटली द स्टॉक इज टेकिंग अ गुड सपोर्ट हियर। ओके एक इसी प्राइस के आसपास 135 से 136 के आसपास ही सपोर्ट लेके एक कंसिस्टेंट लो क्रिएट करके स्टॉक उसी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। सो डेफिनेटली द स्टॉक इज ट्राइंग टू टेक अ बिग सपोर्ट जोन एट द प्राइस ऑफ 136। सो स्टॉक एक हायर प्राइस के तरफ ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेगा। सो डेफिनेटली द रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक विल बी एट द करंट प्राइस ऑफ 140, सो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 136। ओके जो अभी हमने इसी सपोर्ट जोन के आसपास हमने अभी बात की थी, तो डेफिनेटली स्टॉक एक उसी सपोर्ट जोन के आसपास शायद अगर टेस्ट करके इट विल ट्राई टू गिव अ गुड बाउंस बैक एंड ट्रेड टू इट्स हायर प्राइस ऑफ 175। ओके और यू कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ 175। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2। लेट्स गो टू आवर स्टॉक नंबर 1 व्हिच इज वेदांता लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ वेदांता लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे 225 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर एक रिसेंटली दो महीने के पहले ही आप देखेंगे कि फ्रॉम द एंड ऑफ द जुलाई, ओके एक जुलाई एंड से ही यू कैन लुक लाइक फ्रॉम पास्ट 7 वीक्स स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल। ओके एक 19 से 20% का डाउनफॉल दिया है स्टॉक ने एंड डेफिनेटली एक अगर आप देखेंगे करंट प्राइस स्टॉक की तो एक उसी सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट लिया है, एक उसी प्राइस रेंज के आसपास फ्रॉम 208 टू 225 एक उसी जोन के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट करके स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स एक बाउंस बैक दिया है। सो डेफिनेटली स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स माइट बी डेफिनेटली 280 के आसपास स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 280 एक करंट प्राइस से ही 280 तक अगर इन्वेस्ट करते हैं 280 के टारगेट के लिए तो इन्वेस्टर्स के लिए एक 24 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। एक 2 से 3 महीने में स्टॉक फिर से एक 280 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली वी कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 24 to 25%। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं एट द करंट प्राइस ऑफ 225 तो डेफिनेटली उनको एक 205 का एक स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द टारगेट ऑफ 280 के टारगेट के लिए स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को 205 का एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके दे कैन अचीव द टारगेट ऑफ 280। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आर स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो 6 ऑफ मॉड्यूल 2। जैसे कि मैं एक वीडियो के एंड में एक पर्सनल सजेशन देता हूँ कि शेयर मार्केट में पहले इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए बिकॉज द मोर यू इन्वेस्ट इन टू द स्टॉक्स द लेस रिस्क यू टेक एज वेल एज कंपेयरिंग टू द ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा आपको एक बेनिफिट मिलता है, एक स्लो एंड स्टडी बट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज विंस कंपेयरिंग टू द ट्रेडिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।